नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक, केजी पब्लिकेशन वाली, और ये फिफ्थ सेमेस्टर में काम आएगी आपके बीकॉम अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से काम पढ़ रहे हैं तो। और इस कॉर्पोरेट अकाउंट का चैप्टर चल रहा है 6-6 का नाम है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आप पीछे जो वीडियो देख चुके होंगे उसमें थर्ड क्वेश्चन तक की वीडियो आप देख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, और फोर्थ क्वेश्चन कराने के लिए पहले स्टैंड को नीचे करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को करवाएंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए और समझिए क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तभी सोल्यूशन समझ में आएगा। इसमें लिखा है वी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2006 टू टेक ओवर अ बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2005। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी डिस्क्लोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 81,525 रुपये का नेट प्रॉफिट दे रखा है। हमेशा पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर 2006 आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स, जो हमें अमाउंट्स दे रखी हैं, तो नेट प्रॉफिट लास्ट में दे रखा है ये 30 सितंबर का। इट मीन्स आप जब निकालेंगे अपना टाइम रेशो, तो टाइम रेशो में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 1 जनवरी को, जबकि साल स्टार्ट हुआ यानी कि जब से आपने टेक ओवर किया है वो 1 अक्टूबर 2005 है, और क्लोजिंग आपका है 30 सितंबर। तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक अगर साल का हो गया, उसमें 1 जनवरी में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी में, तो आप प्री पोस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये नेट प्रॉफिट गिवन है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होता है। चलो नेट प्रॉफिट से ही ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। आगे यहाँ दे रखा है बहुत सारे आइटम, जैसे सैलरी है 18,750, लेकिन कुछ जानकारी दी है कि 4 एम्प्लॉय इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड 7 एम्प्लॉय इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। वेजेस दे रखा है 6,825, 4 वर्कर इन प्री और 100 रुपये वेजेस है उनकी, और 5 वर्कर पोस्ट में है, उनकी वेजेस है 125 रुपये, वेजेस के लिए रेशो हो जाएगा। रेंट हमें दे रखा है 600 रुपये पर एनम, नहीं लिखा है, सिर्फ 600 रुपये अप टू जनवरी 2006 तक दे रखा है, बाकी इसके बाद एडिबल हो गया 3600 पर एनम देर आफ्टर। डायरेक्टर फीस हमें दे रखी है पूरे साल की दे रखी है, तो हमें देखना है पोस्ट वाले टाइम में ही डायरेक्टर बनता है। सेल्स हमें दे रखी है 3 लाख रुपये की, उसमें से प्री की सेल है 50,000, बाकी माइनस करके पोस्ट की सेल निकाल लेंगे, सेल्स रेशो आ जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट सेपरेटली प्री और पोस्ट पीरियड। ईजी है ना, आराम से हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन, करके दिखाते हैं। आप तो चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप पे आउट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि वो फीस 1600, क्योंकि मेरे पास जो ऑफलाइन पढ़ता है उसकी फीस 1600 रुपये होती है करीबन, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पे कर सकते हैं, ठीक है, जिससे रेगुलर वीडियो मिलती रहे, आपको भी फ़ायदा हो और चैनल का भी फ़ायदा हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख दिया है, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इसमें एंडिंग कब हो रही है, 30 सितंबर 2005, 30 सितंबर 2005 पर्टिकुलर प्री और पोस्ट, प्री और पोस्ट यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसमें टाइम रेशियो निकालेंगे तभी हम यहाँ फिट कर पाएंगे क्या आ रहा है। फिलहाल इतनी लाइन छोड़ी है क्योंकि आइटम बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे टाइम रेशियो। अब टाइम रेशियो निकालने के लिए हमने एक्वायरिंग की थी, टेक ओवर बिजनेस को किया था 1 अक्टूबर 2005, और साल ख़त्म हो रहा है हमारा 30 सितंबर 2006, और रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 जनवरी 2006। तो यहाँ से तक प्री और इसके बाद वाला पोस्ट वाला टाइम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आएंगे, 9 ये, तो 3 मंथ, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तो स्टार्ट हुआ ना, इसलिए तो 9 मंथ यहाँ पे, 3 मंथ और 9 मंथ,
ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। अब दूसरा होता है सेल्स रेशो। सेल्स रेशो टोटल सेल दे रखी थी हमें, नीचे लिखा 3 लाख, और प्री की सेल दे रखी है 50,000, पोस्ट की सेल आ जाएगी इसमें से माइनस कर दोगे 250, टोटल में से प्री की माइनस करेंगे 250, यानी कि 50,000 प्री रेशो 2,50,000, 4 0 से 4 0, 5 1 5 5 25, 1:5 का रेशो हो गया आपका सेल्स रेशो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि हमें तो दे रखा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा यहाँ पे आता है इस जगह, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। अब नेट प्रॉफिट गिवन है तो सारे एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक लिखना है नेट प्रॉफिट है हमारे पास, तो ग्रॉस नंबर 3 डाल दे, नंबर 3 लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस या ऑल एक्सपेंसेस, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था, नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर 81,525, प्लस खर्चे प्लस हो जाएंगे, लेकिन खर्चे पहले सॉल्व करने पड़े तब। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने सिर्फ नाम लिख के छोड़ रहा हूँ, अमाउंट नहीं डालूंगा, और ये हमारा सेल्स रेशो बटेगा। ठीक है, इस पर कुछ ढक देते हैं, लिखता भी रहेगा और रुका भी रहेगा वहाँ से। पहला खर्चा है सैलरी। सैलरी के बारे में बोला गया है कि 18,750 की सैलरी है, 4 एम्प्लॉय प्री में है, 7 एम्प्लॉय पोस्ट में है। ठीक है, टाइम रेशो हमारे पास था 3:9। अब मुझे सैलरी को बांटने के लिए पहले यहाँ लिखूँगा फोर्थ, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर आप नोट डाउन करते रहना है ना, अगर दिखना बंद हो रहा है उससे पहले पहले। तो सैलरी हमारी है 18,750। अब इसे बांटेंगे कैसे, पहले रेशो निकालेंगे, टाइम रेशो, टाइम रेशो जो है 3:9 है, और जो सैलरी में जो काम कर रहे हैं उनका कितना है, वर्कर कितने हैं, 4 प्री में 4, वर्कर रेशो 4 प्री में काम करने वाले और 7 पोस्ट में, तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, और यहाँ आ जाएगा 963 आ गया। अगर हम बात करें 12:63 कटता तो है नहीं, तो अगर हम प्री में बांटेंगे इसको 18,750 को, तो 12 और 63 इसको प्लस करेंगे तो 12/75, और पोस्ट में बांटेंगे तो 18,750 × 63/75, इस तरीके से बटेगा। ठीक है, बांटते हैं, आप भी बांटिए कैलकुलेटर से, मैं भी बांटता हूँ। 18,750 × 12/75, 3,000 तो ये आ गया, 18,750 × 63/75, 15,750 ये आ गया, दोनों 18,750 हुए। तो मैं सैलरी के नाम पर 18,750 यहाँ ऐड कर दूँगा, प्लस यही सैलरी मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले जाऊँगा अपनी जगह, 2 सैलरी 3,000 और 15,750 यहाँ लिख दूँगा इस तरीके से, यहाँ भी और इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा है ऊपर मैंने वो भी लिख दिया। इसके बाद अगला नंबर है वेजेस का, मुझे अगले पेज पे सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ फिर बाकी प्लस करना पड़ेगा।
पेज टर्न करते हैं, टाइम रेशो 3:9 है, उसका काम चलेगा। दिख रहा होगा पॉइंट नंबर कौन सा इसका, फोर्थ तो हो गया था, फिफ्थ पॉइंट आएगा। फिफ्थ पॉइंट है वेजेस, वेजेस की अमाउंट है 6,825 रुपये। तो साइड में लिखूंगा पहले टाइम रेशो, वो था 3:9। फिर हमें नीचे देखा वर्कर रेशो, जो कि 4 प्री में है, 5 पोस्ट में। पिछली बार 4-7 था वर्कर, सॉरी उसमें पिछली बार एम्प्लॉय था, तो मैंने वर्कर लिख दिया, आप एम्प्लॉय रेशो भी लिख सकते हो, वहाँ पे चेंज कर लेना। काम करने वाले लोग वर्कर रेशो इसमें दे रखा है 4 और वहाँ साइड में है 5। साथ में वेजेस भी दे रखी है इसमें कि भाई जो पहले काम करते प्रीमियम भी 100 रुपये है, तो यहाँ पे लिखो वेजेस रेशो 100 रुपये और इधर है 125। तो आपको करना क्या है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 3 12, 12 के 100 में करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसकी 9×45 होता है, 5×9 = 45, 45 की 125 में करोगे तो कैलकुलेटर सही करना, पता चला कि ओरली करने में गलती हो जाए। तो 9×5 भी कर देता हूँ, × 125 भी कर देता हूँ, 5,625। अब इसको छोटे करने के चक्कर मत रहना आप लोग कि मैं इसे काट के छोटा करूँगा, नहीं, जबकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो छोटा मत करना, सीधे प्री और पोस्ट में बांटना। प्री और पोस्ट अमाउंट थी 6,825 × 1200 अपॉन इन दोनों जो टोटल आएगा, तो इन दोनों टोटल आएगा 25, तो ये 8, ये 5 है, वही आएगा 6,825 6,825 जो खर्चा था इंटू 5,625 अपॉन 6,825। तो भैया इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1200, इससे ही कट जाएगा तो बचेगा 5,625, और दोनों को मिला हुआ यही अमाउंट आएगी, है ना। तो जो हम बात कर रहे थे ना ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की, तो वहाँ 6,825 प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस 6,825, लेकिन जब हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे किस नाम से, टू वेजेस के नाम से, तो पहले वाले की 1200, प्री वाले की 1200, उसकी 5,625। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा ये, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन टूटी है, मुझे नहीं दिख रहा, मैं तो आईडी से बता रहा हूँ। ठीक है, झिलमिल सी स्क्रीन है, काम चलाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट। अब हमारे यहाँ पॉइंट आता है इनकॉर्पोरेशन, हो गया रेंट दे रखा है 600 रुपये अप टू 2006 जनवरी तक, और उसके बाद ये हो गया आपका 3600 रुपये पर एनम। ठीक है, और 600 रुपये में कोई पर एनम नहीं लिखा, तो पहले देखते हैं टाइम रेशो क्या है, 3 और 9, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। ठीक है, 1 जनवरी तक देखा, जबकि यहाँ पे बोला है जनवरी तक, कंप्लीट जनवरी का काउंट होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रेंट पॉइंट, इसके लिए लिखेंगे कहाँ से स्टार्टिंग थी इसकी, 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी में इसकी वो हो गया डिसीशन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ठीक है सितंबर, 30 सितंबर एंडिंग थी, तो ये हमने लिख दिया 3 यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसने बोला था 600 रुपये अप टू जनवरी, ये 600 रुपये रेंट है कब तक का है, जनवरी तक का, तो जनवरी कंप्लीट काउंट होगी, 1, 2, 3, 4 महीने का रेंट है। अगर ये पर एनम होता तो 12 से डिवाइड करता, फिलहाल ये 4 महीने का है, तो 150 आ गया। तो यहाँ 150, यहाँ 150, यहाँ 150, यहाँ भी 150,
इसके बाद ये ज़ीरो है बेटा, है ना। इसके बाद उसने कहा कि डबल हो गया, 3600 पर एनम हो गया। 3600 पर एनम है तो 12 से डिवाइड करो, 300 डिवाइड करके क्या है, 300। तो 300 टोटल कर लेंगे, ये तो 450 आ जाएगा। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 और 150, 2550 है ना। अब इन दोनों के अमाउंट प्लस करूँगा तो कितना आएगा, आप सोचिए खुद से। 2550 प्लस 450, तो 50 और जोड़ दूँगा, 2600, 3000 रुपये आएगा। तो जो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं 3000 प्लस करूँगा इस जगह, प्लस 3000। लेकिन मैं जब रेंट लिखूँगा यहाँ पे, किस नाम से, रेंट के नाम से, टू रेंट, ये आगे पीछे इसलिए हो रहा है थोड़ा, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, मैं पलटता रहूँगा इस चक्कर में, 450 और 2550 लिख दिया और पूरे टोटल 3000 जोड़ दिए। ऐसे ही काम आगे बढ़ता रहे, वर्किंग नोट काफ़ी है इस क्वेश्चन के अंदर। 6 के बाद पॉइंट आएगा 7th पॉइंट, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर तो कंपनी के बाद होता है, तो डायरेक्टर फीस हमें दे रखी थी 10,000 रुपये पर एनम की, इंटू 9 मंथ हमारे थे पोस्ट के, तो 9/12 कर दूंगा, 3 3 9, 3 4 12, 4 से काटूंगा इसे, 2500, और इससे 300 मल्टीप्लाई करूँगा, 7500 रुपये आएगा। कितना आएगा, 7500। यही 75 तो मैं पहले प्लस करूँगा ग्रॉस प्रॉफिट लाने के लिए, यहाँ पे 7500, और यही 7500 यहाँ लिखूँगा, टू डायरेक्टर फीस, पोस्ट में आएगा 7500, ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट खर्चा कौन सा है, और सेल्स दे रखा है, सब हम कर चुके हैं, बाकी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही समाप्त होता है। आप पहले तो जिसने ये नहीं लिखा इसे वीडियो पॉज करें, इधर का साइड पूरी कंप्लीट कर ले। अब इधर चलते हैं, स्पायरल इसके भी नखरे हैं, चलो देखते क्या होगा, बहुत प्यार से करना पड़ता है, आराम से उन्हें फटफट डाल देंगे तो रहता है। अब मैं इसको सबको प्लस कर दूँगा, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूँ इन सबको प्लस करके, ठीक है, दिख रहा, इन सबको प्लस करेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। पंखा कम करें तो गर्मी और तेज करें तो आवाज़ उड़ता रहता है पेज, इसे प्लस करते हैं वो 81525 प्लस। आपके जो आप रहते हैं वहाँ बारिश कैसी हो रही है थोड़ी कमेंट करके बताना, यहाँ तो बारिश बहुत कम हो रही है और खबरों में देख रहे तो कहीं बाढ़ कभी कुछ कभी कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उमस है, बुरा हाल चल रहा है। तो आंसर आया ग्रॉस प्रॉफिट का 1,17,600 रुपये, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। इसी को हमें बांटना है, रेशो है हमारा सेल्स रेशो 1:5 में, तो यहाँ पे बांटेंगे 1:5। आप चेक कर लो, आपको भी इतना ही आ रहा है क्या, अरे यार। तो अभी 1,17,600 को बांटूंगा मैं, 1,17,000 इंटू 1/6, क्योंकि 1:5 तो होता है तो 6 होता है उसे बोलते हैं, 19,600 और 5/6 करूंगा तो 98,000, ठीक है। अब ऐसा रखूँगा जिससे आपको पूरा दिखाई दे तो बहुत बढ़िया, जैसे तो पूरा नहीं, हाँ यहाँ दिखेगा, लेकिन अभी टोटल करने के लिए काम आएगा, यहाँ रखते हैं डबल क्लोजिंग, ये आएगा 19,600 और ये आएगा 98,000, ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखते हैं, 19,600 और माइनस कर देंगे, 19,600 माइनस
3000 माइनस 1200 माइनस 450 14950 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप चाहो तो कैपिटल रिजर्व के नाम सीधे लिख सकते हो, और इसका आएगा नेट प्रॉफिट जो पोस्ट में आता है 98000 माइनस 15750 माइनस 5625 माइनस 2550 माइनस 75000 66575। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आंसर चेक करूँ। हाँ, ये आ गया। ठीक, आप इसे यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करना। अरे ठीक है, यहाँ तक का कंप्लीट लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पढ़ के कुछ हेल्प कर सकते हैं चैनल की, क्योंकि इस बार बच्चे आए नहीं। एक आया था, एक मैंने पढ़ के चला गया, उससे वीडियो बन नहीं पाई क्योंकि उस पर खुद बुक नहीं थी, तो मुझे पुरानी बुक से ही पढ़ाना पड़ रहा है इसमें। देखो कब तक पढ़ा पाऊँगा, अगर बिजी होगा किसी काम में तो फिर मुश्किल है, लेकिन अब जब तक नहीं हो तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ।